रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध को 2 साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए इस युद्ध ने लाखों लोगों की जानें ली हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन में शहर के शहर तबाह कर दिए गए और लाखों लोगों को बेघर भी होना पड़ा। युद्ध 3रे साल में प्रवेश कर गया है, लेकिन अभी भी इस जंग में आगे क्या होने वाला है ये कह पाना बहुत मुश्किल है। इस जंग में रूसी सेना के आगे यूक्रेन की फोर्स अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अवदिविका शहर पर अपना कब्जा जमाने के बाद रूस की जीत का इरादा और मजबूत हो गया है। ऐसे में यूक्रेनी सेना का हर प्रयास अब सफल नहीं हो पा रहा है। 2 साल के दौरान इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन के करीब 5 इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है। जेलेंस्की की सेना कब तक रूसी सेना को इस युद्ध में टक्कर दे पाएगी, इसी पर दुनिया की निगाहें हैं। लेकिन इस सब के बीच एक ऐसी खबर मॉस्को से आई है जिससे जेलेंस्की की टेंशन बढ़ गई है। मॉस्को में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी सेना के एक समूह को रूसी क्षेत्र में घुसने की कोशिश को नाकाम किया गया। कीव की सेना ने यूक्रेन की सीमा के करीब रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में स्थित कोजिंका गांव में घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे रूसी सेना और FCB की सीमा सेवा ने नाकाम कर दिया। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय ने क्लिप दिखाई जिसमें कहा गया कि कोजिंका में यूक्रेनी तोड़फोड़ करने वालों का विनाश दिखाया गया है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि फुटेज कब कैद किया गया। बेलगोरोड क्षेत्र के गवर्नर व्याचेस्लाव ग्लैडकोव के मुताबिक स्थिति बिगड़ने पर निवासियों को कोजिंका से निकाला गया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन फुटेज में लगभग 1 दर्जन यूक्रेनी लड़ाकों को विस्फोटक डिटेक्टर का उपयोग करते हुए बारूदी सुरंगों से होते हुए एवं एक निजी घर तक पहुंचते हुए दिखाया गया है, जहां उन पर रूसी तोपखाने द्वारा गोलीबारी की गई। रूस के ये तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि अब जंग अंजाम तक पहुंचने के बाद ही रुकेगी। वहीं इसका एक और बड़ा फैक्टर है कि पेंटागन में यूक्रेनी फाइलें अभी भी अटकी हुई है। अवदिविका की लड़ाई में जीत ने आसपास के क्षेत्रों में भूमि नियंत्रण के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं और रूसी सेनाएं यूक्रेनी सेनाओं के पुनर्निर्माण से पहले अग्रिम मोर्चे पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही हैं।